यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही है कुछ। ये हमारे जो पड़ोसी हैं सामने, ये जो है ना अपनी कुछ दीवार के साथ कुछ तोड़ रहे हैं। ये देखें, ये शायद पिलर डलवाएंगे क्योंकि मकान जो है वो थोड़ा सा नीचे को जा रहा है शायद। तो ये देखें, मैंने आपको ये दिखाना था इस गली में से, ये ऐसे तोड़ रहे हैं। ये देखें, ये भी तोड़ा है सामने से, ये भी, और चार जगह से इन्होंने ऐसे किया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए पालक अपना तैयार करते हैं। दूसरी बात ये कि देखें, यहाँ पर ना अंगूर की बेल है जो उसके साथ बहुत सारे गुच्छे जो है ना वो लगे। मैं आपको शाम को किसी दिन वीडियोस बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन बहुत सारे गुच्छे जो है ना वो लटके हुए हैं अंगूर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुशम होंगे। नाश्ता करने लगी थी, ऑमलेट बना रही थी तो सोचा, ख्याल आया आपसे भी बात कर ली जाए। तो ऑमलेट जो है ना वो मेरा ऐसे ही होता है, ज़रा देखें, बड़ा मसालेदार होता है, थोड़ा टमाटर प्याज हरी मिर्चें मैं इतना डाल के, और पराठा भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपने लिए। तो पराठे की रेसिपी तो शायद मैंने आपको दे भी दी है, वीडियो है मेरी। तो ऑमलेट जो है ये देखिए कितना स्पाइसी लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो दिल कर रहा था इस तरह का ऑमलेट खाने का, रोज़ाना अंडा मैं नहीं खाती हूँ तो सोचा आपसे बात की जाए। तो कैसे हैं आप सब लोग? अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, जो वायरस फैला हुआ है कोरोना, हो ना हो नमूनिया ज़रूर हो रहा है जी, ठीक है। और इसके लिए आप सना मक्की के पत्तों का कावा पिए जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो बस एक या दो बार ही काफ़ी होगा हफ्ते में। और उसका ये है कि अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो 12 घंटे में आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो सकती है इसके पीने के बाद। तो प्लीज़ आपने ये पीना है लाजमी, बच्चों को भी पिलाएं, नहीं भी है कुछ तो तब भी पिलाएं, ठीक है ना। तो ये तवा जो है ना वो थोड़ा सा मेरा मसला करता है। तो ये ऑमलेट जो है ना हमारा हो गया है तैयार। नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो आज नाश्ते में ही आपसे जो है ना, ये देखें नाश्ता मेरा रेडी है, ये देखें पराठा भी मैंने बनाया, और पराठे के अंदर भी मैंने मसाला डाला है, और ये रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो ये है मेरा पराठा, और ये है मेरा अंडा ऑमलेट, और ये है मेरी चाय। तो आ जाएं आप भी सब लोग नाश्ता कर लें आके, और फिर हम करते हैं खाने की तैयारी बाद में। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया है तो डिसाइड हुआ कि पकाएंगे पालक। तो 2 गड्डी पालक मैंने साफ कर ली है, काट ली है, और धो के मैंने निचोड़ने के लिए रख दी है। 2 गिलास पानी लिया है यहाँ मैंने, और प्याज लहसुन और टमाटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक हसबे ज़ायका 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, चाय का, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ये भी 1.5 चम्मच तकरीबन डालूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी थोड़ा सा। और इसकी रेसिपी जो है ना वो पहले अपलोड हो चुकी है इसलिए मैं तफसीलन नहीं बता रही, वैसे ही वीडियो बना रही हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो जान जाएंगे। धनिया पाउडर, तमाम चीज़ें डाल दी हैं, और बॉयल आ गया है पानी को, तो इसमें मैं पालक भी शामिल कर दूंगी। अच्छा जी, पालक भी डाल दिया है, कुकर को बंद कर देते हैं 20 मिनट के। अच्छा जी, 20 मिनट के बाद खोला है कुकर, तो देखें माशाल्लाह पालक जो है ना वो बिल्कुल गल गई है, और थोड़ा सा पानी है, तो पानी जो है ना वो इतना काफ़ी है इसमें। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा सा आटा मकई का या गंदम का, और हमने इसको मुलायम करना है, घोट के। और घोटने के लिए हमने इस तरह की एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप किसी भी चीज़ से इसको घोट सकते हैं, ठीक है। तो मैं डालूँगी इसमें गंदम का आटा, फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये इस तरह गंदम का आटा डालेंगे, 2-3 मुट्ठी काफ़ी रहेगा, और फटाफट हमने इसको घुमाना है ताकि आटा जो है ना वो पक ना जाए, इसमें मुलायम हो जाए। इस तरह हमने बहुत ही मुलायम इसको कर लेना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आटा शामिल करते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पानी है ना, ये पानी ज़रूरी था, वरना आटा जो है डालते तो और खुश्क हो जाता। तो ये पानी जो है ना वो आटा जो है वो पानी चूस लेगा, और अच्छा सा मुलायम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने आटे को मुलायम करना है, इतना घुमाना है ताकि आटा जो है वो मिक्स हो जाए आटा, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी आटा उधर ही, जब काफ़ी देर पड़ा रहेगा। गरम गरम है पालक, तो इस तरह हमने कर करके इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन हाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। मिलती हूँ आपसे इसको मुलायम करने के बाद।
अच्छा जी, 10 मिनट अच्छी तरह घोटने के बाद ना इसको ये बिल्कुल मुलायम हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखें फ्लेम मैंने दोबारा ऑन कर दिया है और ये पकना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 मिनट हम इसे पकाएंगे धीमे आंच पर, ताकि जो आटा हमने डाला था वो भी पक जाए, कच्चा ना रहे। और अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। अच्छा जी, तड़के के लिए घी रखा है गर्म होने के लिए, हसब ज़रूरत घी लिया है मैंने। हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के मैंने डाल दी हैं, इसको ब्राउन करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ मज़ीद क्या डालेंगे। मिर्चें जो है जी वो ब्राउन हो गई हैं, तो अब इसमें डालते हैं लहसुन। लहसुन को भी हल्का सा हम सुनहरा कर लेंगे। लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है, अब जीरा डालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तड़का हमारा जो है ना वो तैयार हो गया है। और पालक वाले चूल्हा हमने जो है ना वो फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके उल्टा कर देंगे, ताकि घी जो है ना वो उड़े ना, बाहर ना आए। जब तक इसकी आवाज़ आ रही है हमने इसके ऊपर बर्तन रखना है इसे उल्टा करके। यहाँ आप जल्दी से ढक्कन दे दें ताकि घी ना उड़े। ये देखें जी माशाल्लाह तैयार है हमारी पालक। तो मिक्स कर देते हैं इसको जल्दी से, ताकि सब जगह पे अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तड़के का। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले हैं, उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। फीडबैक में आपने मुझे बताना है वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज जी हमने तैयार किया है पालक घोट के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत फेवरेट है सबका। किस तरह तैयार किया है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, बहुत आसान रेसिपी है, आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और काइंडली वीडियो को स्किप ना किया करें, एंड तक देखा करें। और मुझे अपने फीडबैक में बताना है कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और वीडियो को आपने शेयर भी ज़रूर करना है। तैयार करती हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए आइए देखते हैं।